Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony LIV app डाउनलोड करें. Sony LIV. We live to entertain. जेब भी काटता है और लोगों का खून भी करता है. नहीं साहब. तो फिर ये चाकू लेके क्यों घूम रहा था? शेव करता है इससे, हैं? नहीं साहब. तूने और लड़की ने मिलके किसी का खून किया है और जब लोगों ने देख लिया बैग में खून है तो ड्रामा कर रहा है. मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ साहब. झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. इन लोगों ने देखा है तुझे? हाँ सर. ये आदमी उस लड़की के साथ बैठा हुआ था. साथ में बैठा था ना? जी. अब बोल, अब बोल. ओ, मुझे लगा साहब उसके बैग में बहुत पैसे हैं, इस वास्ते मैं उसके चक्कर में लगा था साहब. मुझे कैसे लगा उसके बैग में पैसे हैं? कैसे मालूम हुआ? वो साहब ऑटो वाले को पैसा दे रही थी साहब, तो मैंने झाड़ी किया 100 के नोट की गड्डी देखी. मेरे को क्या मालूम साहब, वो खून करके भागी है. चुप. एक बात बताओ. जी सर. ये लड़की का हुलिया कैसा था? सर 17-18 साल की लड़की थी वो, दिखने में बहुत भोली थी. हाँ सर, वो बहुत डरी हुई थी. हाँ सर. डरी हुई थी? जी. जाना कहाँ था उसे? पता नहीं सर, मगर जैसे ही कंडक्टर ने कोट पुतली जगह का नाम लिया तो वो और ज्यादा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी. जी. कोट पुतली का नाम सुन के और डर गई, क्यों? पता नहीं सर, ये तो वो लड़की ही जाने. सर बैग में से कैमरा मिला है सर, शायद इससे लड़की के बारे में कुछ पता चल जाए. कोई आइडेंटिफिकेशन मिला लड़की का? नहीं सर. इसमें तो काफी लड़कियों की फोटोग्राफ है, जरा देखो. सर इनमें है क्या वो लड़की? सर ये है वो लड़की. ये जी जी, ये वाली. उसकी ड्रेस पे तो स्कूल का लोगो बना हुआ है. विवेक जरा देखो इस फोटोग्राफ को, जरा कंप्यूटर में ट्रांसफर करो, जूम करके देखो स्कूल का क्या नाम है. यस सर. साहब मैं जाऊं ना साहब? हाँ तुम तो जाओ. रेडी, इनको ससुराल लेके जाओ. अरेस्ट करो इसे, पेपर बनाओ, लेके जाओ इसे. अरे साहब ऐसा मत करो साहब, साहब आजकल कभी पॉकेट नहीं मारेगा साहब. चलो कभी चाकू को हाथ नहीं लगाएगा साहब. साहब चलो. हाँ भैया मिलो. ये सर सन वैली हाई, सन वैली हाई. ये लड़की आपके स्कूल में पढ़ती है? जी हाँ. मगर सर हुआ क्या है? ऐसा लगता है कि इस लड़की ने किसी का खून कर दिया है. What? इस बात का शौक तो हमें भी लगा है पर अभी ये कंफर्म नहीं है, हमें सिर्फ शक है. सर ये लड़की 2 दिन से गायब है. क्या 2 दिन से गायब है? फिर तो कुछ ना कुछ. क्या नाम क्या है इसका? जानवी, 12वीं में पढ़ती थी. जानवी कहाँ से गायब हुई थी? हमारे हॉस्टल में से. आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गायब होने की? नहीं सर. 2 दिन से लड़की गायब है और आपने रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई? सर हम लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, शायद कहीं मिल जाए. और वो लड़की अकेली गायब नहीं हुई है सर. डोंट टेल मी कि कोई और भी गायब है. सर उसके साथ एक लड़की और गायब है. और कौन लड़की है इसके साथ? वन्या नाम है उसका और वो दोनों साथ में हॉस्टल में रहती थी. पुलिस में रिपोर्ट लिखाते तो हमारी बदनामी हो जाती, इसलिए सर हम लोग खुद ही ढूंढ रहे हैं. आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद नहीं है. 2-2 लड़कियां गायब हैं स्कूल से और आपको सिर्फ अपने बदनामी की पड़ी हुई? सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको ढूंढने की, मगर उन दोनों के मोबाइल ऑफ है सर. इनके परिवार वालों को बताया आपने? नो सर. देखा, आप कह रहे हैं कि 2-2 लड़कियां गायब हैं लेकिन लोगों ने सिर्फ जानवी को देखा है, सिर्फ जानवी को. तो ये दूसरी लड़की कहां गई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवी ने ही वन्या का खून किया हो? हो सकता है, हो सकता है. ये वन्या की कौन फोटो है आपके पास? सर जानवी के साथ जो दूसरी लड़की है फोटो में वही वन्या है. आखिरी बार कब देखा था इन दोनों को? ये दोनों एक ही क्लास की थी,
पूरा क्लास इनका पंचगिरी जा रहा था। सब लड़कियां चढ़ गई बस में, मगर ये दोनों नहीं चढ़ी। देखिए, सबसे पहले इन दोनों के घर वालों को खबर कीजिए, और वन्या के क्लास में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं सबको बुलाइए, उनसे पूछताछ करनी है। सर, मेरे ख्याल से यही वो जगह है, और वो बस वहां पर रुकी थी, वहां पे, और यहाँ, हाँ यहाँ मैं उस चोर को पकड़ा था जो उस लड़की का पर्स लेकर भाग रहा था, और फिर वो लड़की अचानक ही पीछे से कहीं फरार हो गई। उस दुकान वाले ने उस लड़की को जरूर देखा होगा, उसी से पूछते हैं। मैनेजर साहब ने बताया कि आपको खून होने से पहले ही पता चल जाता है कि खून होने वाला है। जी हाँ। मिस्टर सुकेतु, सीआईडी के सामने ये ड्रामे चलते नहीं है। आपको पहले जो कुछ फेंकना था फेंक लिया, अगर पब्लिसिटी पाने के लिए आपने कोई नया नाटक किया है तो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है, समझे आप? एक बेचारी मासूम बेगुनाह लड़की अपनी जान से जाने वाली है, पर आप लोगों को ड्रामा लग रहा है। किस लड़की की बात कर रहे हैं? ये मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं तो ऐसे ही बवाल मचा रहे हो? मालूम नहीं, लड़की का खून होने वाला है। अब कौन करने वाला है ये खून? ये भी मुझे मालूम नहीं, मगर खून आज ही होगा, पर इसी होटल में किसी लड़की का खून होगा। अगर इतना सब कुछ मालूम है तो फिर तुम एक ही आदमी हो सकता है। कौन? तुम। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है, मेरी बात का यकीन कीजिए ऑफिसर। फिर आप तो ये मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। कुछ भी देखता रहता है सर। एक्सक्यूज मी, अपना हाथ दीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, प्लीज। मुस्कुराहट के पीछे कितने गम छुपा रखे हैं आपने, अपनी बीती हुई जिंदगी की यादों में क्या टटोलते रहते हैं आप? 14 साल पहले की जिंदगी के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं, यहां तक कि अपनी माँ को भी नहीं पहचान पाया। आप कौन है? समझ के बेटा, समझ के। मैं माँ हूँ तुम्हारी। प्लीज बहुत एम्बिशियस हो, मेहनती हो, देश भर में सीआईडी का नाम रोशन करना चाहते हो, पर एक मलाल है तुम्हारे दिल में। ठीक 2 साल पहले सीआईडी की ड्यूटी ने तुम्हारी बहुत करीबी दोस्त तुमसे छिन गई। ये आपको कैसे पता? आपकी इजाजत हो तो मैं आपके हाथ को छू सकता हूं। बहादुरी और फर्ज की मिसाल है आप। कानून की रक्षा के लिए आपने अपने बेटे को ही मार डाला। बस अगर अब भी आपको यह सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया हुआ ड्रामा लगता है, then I am sorry to waste your time. Yes, time waste किया आपने। अगर आपको ये विजन
लोगों को छूने से मिलता है, तो बिना उस लड़की को छुए आपने कैसे बता दिया कि उसका खून होने वाला है? अगर किसी व्यक्ति के मन में मैल हो और उसके विचार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो तो मैं उनको आसपास से भी कैच कर सकता हूँ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।